Okay, good evening everyone. So today we're going to start from where we had left. Now, see, here you can see resources were to be accumulated through expansion of territory. Now, Hitler जो है वो एक आपको जैसे आपको पता है कि वो नॉर्डिक आर्यंस के लिए कंट्री बनाना चाहता था, ठीक है, नॉर्डिक आर्यन जर्मन्स के लिए एक देश बनाना चाहता था, वो जितने भी जर्मन स्पीकिंग और प्योर आर्यन ब्लड के लोग थे उनको ही सिर्फ रखना चाहता था, बाकी सबको वो उसने एक टर्म दिया था अनडिजायरेबल, ठीक है। सो जर्मनी के अंदर जितने भी ज्यूज थे, ब्लैक्स थे, स्लावस थे, बाकी जितने भी लोग थे उन सबको वो बाहर निकालना चाहता था, जर्मनी इज फॉर जर्मन्स, ये उसका मोटो था, ठीक है। सो उसके लिए वो क्या करना था, उसके लिए उसने बोला कि जहां कहीं भी जर्मन रह रहे हैं प्योर ब्लड के वो आ जाओ। अभी आने के लिए क्या करना होगा, आप अगर बाहर से आप किसी को लेके आ रहे हो, लोगों को लेके आ रहे हो, अपने पास जोड़ रहे हो, अपने साथ जोड़ रहे हो जर्मन्स को, तो आपको उनको रहने के लिए जगह भी देनी होगी, ठीक है। अब रहने के लिए जगह देनी है तो उसके लिए आपको जगह चाहिए होगी, और जगह चाहिए होगी तो आपके देश में इतनी जगह नहीं, तो आप क्या करोगे, आसपास वालों की लूट लोगे, और यही हिटलर ने किया था। हिटलर ने बड़ी चालाकी से, ठीक है, अपनी पपेट गवर्नमेंट बैठा करके, अपने नाजी लोग औरों की सरकार, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी है वहां की गवर्नमेंट में खुद के नाजी के लोगों को बैठाया, फिर उसने अफवाहें फैलाई। हिटलर का जो प्रोपेगेंडा था वो बहुत ही फेमस था, ठीक है, और हिटलर का जो प्रोपेगेंडा है वो तीन चीजों पर बेस्ड था, एथोस, लैगोस एंड पैथोस, ठीक है। एथोस मतलब क्या होता है कि जब, जैसे कि अगर हम मान लो साबुन खरीदें, तो साबुन में क्या होता है कि 99.9% कीटाणु डॉक्टर द्वारा सुझाया, ये होगा, ठीक है। उसके बाद में लैगोस क्या होता है, लैगोस होता है कि भाई इसमें ये ऐसे ये टेस्ट क्या, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर मैंथॉल है तो आपको ठंडक देगा शरीर को, ठीक है, ये सब आता है जिसमें आप लॉजिक देंगे। पैथोस आप सेंटिमेंट्स का यूज करें कि लोगों की भावनाओं का, कि भाई ये हमारा बनाया हुआ है, स्वदेशी है, ऐसा है, तो आप उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो हिटलर ने सेम काम किया था। हिटलर ने क्या देना शुरू किया, हिटलर ने भी ऐसे ही एग्जाम्पल देने शुरू किए, हिटलर ने अपना प्रोपागेंडा फैलाया जिससे कि वो किनको बाहर निकाल सके, ज्यूज को बाहर निकाल सके और आसपास के देशों पर कब्जा कर सके, ताकि वो एक ग्रेट जर्मन देश बना सके, जर्मन राइश, इसको बनाने की उसकी क्या थी, मंशा थी, ठीक है। किन के लिए, सिर्फ जर्मन्स के लिए, जर्मन भी कौन से, प्योर आर्यन रेस वाले, ओके। सो फॉर दैट ही नीडेड टेरिटरी, अब ये सब करने को टेरिटरी चाहिए था, ठीक है। सो इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, इसको मार्क कर लेना, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि जर्मनी ने कौन से साल में पोलैंड को इन्वेड किया। पोलैंड के ऊपर जो इन्वेजन था, इट वॉज जस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट, उसने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया था कि मैं अगर देश पे कब्जा करूंगा तो कैसे करूंगा, ठीक है। एंड वो हिटलर की एक थ्योरी थी, मिलिट्री स्ट्रेटजी, ब्लिट्सक्रिग, ब्लिट्सक्रिग, ओके। सो इसके थ्रू वो क्या करता था, वो बहुत स्विफ्टली, बहुत तेजी से, बिना आराम के, बिना सेना को ठहराए या बिना कुछ किए, बस आओ हमला करो, जीतो और निकल जाओ, ये उसकी थ्योरी थी, और ये बहुत कारगर थ्योरी थी, क्योंकि बाकी सेना जब सोचने का काम करती या फिर आराम सोचती थी कि भाई अब वो लोग नहीं आएंगे, उसी समय वो लोग हमला करते थे, और उनका हमला इतना स्विफ्ट होता था, बहुत तेज होता था, ठीक है। नाउ दिस स्टार्टेड वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। अभी तक उसने क्या किया, उसने ऑस्ट्रिया हंगरी पे कब्जा किया, किसी ने कुछ नहीं बोला, उसने और देशों को डराया, किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि और ब्लड शेड हो, ठीक है। यहां तक कि जो विंस्टन चर्चिल से पहले जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि भाई मैं हिटलर से कोई ब्लड शेड नहीं चाहता, उसे जो करना है करो, ठीक है, हम और नुकसान नहीं चाहते। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि जर्मनी क्या करता है, पोलैंड के ऊपर अटैक कर देता है। जर्मनी के मेन मंशा ये थे कि वो इन देशों के ऊपर अटैक करके क्या करे, उसने यूएसएसआर रशिया के साथ में संधि कर दी थी। हिटलर बहुत तेज इंसान था, उसने यूएसएसआर यानी उस समय का जो रशिया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, उसके साथ में तो एक ट्रीटी साइन कर लिया। उस ट्रीटी में उसने क्या बोला कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, आप मेरे पे अटैक नहीं करेंगे। यूएस से बहुत दूर था, उसमें वो कुछ कर ही नहीं रहा था, ठीक है, उसको कुछ लेना देना भी नहीं था यूएसए को, ठीक है। सो बचा कौन, यूके, यूके को वो मजबूर करना चाहता था पूरे के पूरे यूरोप पे कंट्रोल करके, ठीक है, और जब यूरोप पे वो कंट्रोल कर लेगा तो यूके को मजबूरन साइन करना पड़ेगा पीस ट्रीटी के लिए, ठीक है। ये थी हिटलर की मंशा। लेकिन यूके क्या करता है, यूके बोलता है भाई मैं आपके साथ लड़ाई करूंगा,
और इसी के साथ में इंग्लैंड और फ्रांस ये दोनों भी किस में आ जाते हैं, वॉर में उतर जाते हैं। ठीक है, इन सितंबर 1940, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये अभी तक एमसीक्यूज चल रहे हैं कि कौन कौन उनके हेल्प के लिए आता है। सितंबर 1930 अ ट्राइपार्टाइट पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी इटली एंड जापान स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। नाउ व्हाट हैपेंस इन 1940 में ये एक्सिस पावर बन जाएंगी। अब वॉर शुरू हो चुका था एक्सिस पावर वर्सेस एलाइड पावर्स। नाउ एक्सिस पावर में कौन कौन थे, जर्मनी इटली एंड जापान। सो हुआ क्या था कि इन तीनों ने एक संधि करी थी। ठीक है, जर्मनी में हिटलर था, इटली में एक और इसके जैसे तानाशाह होता बेनिटो मुसोलिनी, ओके, एंड जापान में यहां के एम्परर हुआ करते थे। ठीक है, सो इन तीनों साइन करते हैं और इन तीनों के किस में आ जाते हैं, एक संधि में आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन था, फ्रांस इंग्लैंड था साथ में, ऐसे ही तीन लोग साथ में और आ जाते हैं, ये मिलकर के क्या करते हैं, हमले करते हैं। ओके, और ये हिटलर का जो डोमिनेंस था उसको कायम करने में हेल्प करते हैं। नाउ पपेट रिजिम सपोर्टिव नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल्ड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज एट पिनाकल ऑफ हिज पावर्स। मैंने जैसे आपको बताया ना हिटलर क्या करता था, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी का एग्जाम्पल लूं तो उस देश की जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट में वो, अब हिटलर की आर्मी बहुत बड़ी थी, कोई भी देश नहीं चाहता था कि भाई इतना, हिटलर ने क्या किया ऑस्ट्रिया हंगरी की बॉर्डर पे अपनी सेना खड़ी कर दी। तो वहां के जो उस समय के गवर्नमेंट थी उसने क्या बोला, भाई हम ब्लडशेड नहीं चाहते, आप क्या चाहते वो हम करेंगे। ठीक है, सो वो कि हिटलर क्या करता है, उनकी गवर्नमेंट में अपने लोग बैठा देता है। उन लोगों का काम क्या होता है, वो लोग वहीं की गवर्नमेंट को भड़काते हैं कि कैसे जो आपकी सरकार है वो आपके लिए गलत काम कर रही है और जब तक हिटलर नहीं आएगा आपको उद्धार नहीं होगा, ऐसी बातें बोल करके वो क्या करते हैं इस देश के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर। तो इसको बोलते हैं पपेट सरकार। पपेट सरकार मतलब होती है जो कि पपेट नहीं होता, कठपुतली, जैसे आप उसको नचाओगे वैसे वो क्या करेगी, डांस करेगी। ओके, नेक्स्ट हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। ओके, नाउ व्हाई ईस्टर्न यूरोप, हिटलर ईस्टर्न की ईस्ट की तरफ ही मूव क्यों कर रहा था, क्योंकि जर्मनी जो है ऊपर उसके सी है, इधर उसके सी है और इधर पूरा पूरा एक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, बीच में फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन और ऊपर बेल्जियम, नीदरलैंड, ऐसे देश आते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो इधर फिर पानी शुरू हो जाता है, तो इधर तो वो एक्सपेंड करना करने से रहा क्योंकि इधर तो लैंड इतना है ही नहीं, इसलिए वो क्या करना चाहता था, इस तरफ मूव करना चाहता था। ठीक है, उसने जो यूएसएसआर के भी साथ, रशिया के साथ में जो संधि की थी उसको भी वो आगे चल करके तोड़ देगा, एक साल के अंदर अंदर तोड़ देगा। ठीक है, सो वो इधर मूव, ईस्ट की तरफ मूव करता ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, लैंड मिले। ठीक है, एंड लैंड मिलने से वो क्या बनाएगा इनके लिए, लिविंग स्पेस बनाएगा, जिसको क्या बोला गया था, प्लेबेस्रम, प्लेबेस्रम और लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस मतलब जगह, किन के लिए, आर्यन रेस के लोगों के लिए जो कि प्योर जर्मन आर्यन रेस के लोग थे। नाउ ही अटैक द सोवियत यूनियन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो ईस्ट की तरफ मूव करेगा एंड यूएसएसआर उसके ईस्ट में पड़ता है। सो 1941 में वो अपनी संधि को तोड़ देता है यूएसएसआर के साथ में और 1941 में वो किसके ऊपर अटैक करता है, सोवियत यूनियन यानी रशिया के ऊपर। ठीक है, उस समय जो रशिया में लीडर थे वो थे स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, जोसेफ स्टालिन लेनिनग्राड में रहा करते थे। ओके, और जो जर्मन आर्मी है वो अपने ब्लिट्ज़क्रीग का यूज करके स्टालिनग्राड तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर जाकर वो लोग होल्ड ले लेते हैं। हिटलर बोलता है कि अब हम अक्टूबर में अटैक करेंगे एंड अक्टूबर में क्या शुरू हो जाती है, ठंड शुरू हो जाती है और यहीं से ही हिटलर के हारने का जो टाइम है वो भी शुरू हो जाता है, उसके मैं आपको आगे बताऊंगा। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर, मैंने आपको बताया ना कि वो सोवियत पे अटैक किया, फिर वो वहां पे वेट भी करता है, सोवियत्स को इनिशियल में वो हरा देता है लेकिन फिर वो वहां पे वेट करता है। ठीक है, कि मैं अक्टूबर में अटैक करूंगा क्योंकि इस टाइम पे उसको दूसरी कंट्रीज उधर से, जो यूके था, यूके, फ्रांस, कनाडा, ये सब मिल करके क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, तो अभी उसका फोकस उस तरफ शिफ्टेड था। ठीक है, इसलिए यहां पे वो होल्ड कर देता है और यही एक हिस्टोरिक ब्लंडर, ब्लंडर मतलब गलती होती है। ओके, नाउ दिस हिस्टोरिक ब्लंडर ऑफ हिटलर एक्सपोज द जर्मन टू द वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एंड एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मी।
ठीक है, अभी वो यहां से आर्मी का फोकस शिफ्ट करके उधर कर देता है, तो यहां से ये लोग अटैक करते हैं, फिर वो वापस अगर कुछ करने की कोशिश करता है तो उधर से वो ज्वाइंट अटैक हो रहा होता है ब्रिटिश आर्मीज का, एयरफोर्स का, इन सब का, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है, हिटलर को हार का सामना करना पड़ता है, जो कि सोवियत रेड आर्मी, सोवियत आर्मी को क्या नाम दिया गया था, सोवियत रेड आर्मी, ये करती है, ठीक है। और सोवियत रेड आर्मी, आपने सुना होगा रशिया आज के टाइम पर सबसे बड़ा देश है, लेकिन ये उस टाइम भी बहुत बड़ा देश था, इतना बड़ा देश था कि 25 दिसंबर 1991 में जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, रशिया में रशिया के टुकड़े हुए, तो उसमें से 15 नए देश निकले, और उस 15 नए देश निकलने के बाद भी आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया है। ओके, सो हुआ क्या, हुआ ये कि ये लोग स्टालिन गार्ड में थे रशिया के अंदर, जर्मनी यहां था, ठीक है, और जर्मनी अपने आसपास के जितने भी देश थे उन पे क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था यहां तक, ठीक है। यहां से जो रशियन आर्मी है वो इनको हराना, वो जर्मन आर्मी को हराते हुए और उनका पीछा करते हुए कहां तक पहुंच जाएगी, जर्मनी में बर्लिन तक पहुंच जाती है। इस वजह से क्या होता है, जो जितने भी देश बीच में आए ये सब किसके अंडर आ गए, अब रशिया के अंडर आ गए, यूएसएसआर के अंडर में आ जाते हैं, ठीक है। नाउ जर्मन सोल्जर्स दे हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच टू द हार्ट ऑफ बर्लिन एस्टैब्लिशिंग सोवियत हेगेमनी ओवर द ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ सेंचुरी देयर आफ्टर। ओके, सो 1945 में ये लोग वहां तक पहुंच जाते हैं, 1943-45 में ये लोग वहां तक पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में ये लोग इनके अंडर एरिया कब तक रहता है, 1991 तक। 1990 में जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब ये वॉर जीत लिया जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एलाइज पावर जब जीत जाती है, तो अमेरिका की और रशिया की थोड़ी तनातनी हो जाती है, जिसके चलते क्या होता है, बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार खड़ी जाती है, एक तरफ अमेरिका ऑक्यूपाइड बर्लिन बन जाता है, एक तरफ यूएसएसआर ऑक्यूपाइड बर्लिन बन जाता है, ठीक है। सो 1990 में वो जो बर्लिन वॉल थी वो तोड़ दी जाती है, ठीक है। आज भी काफी लोगों ने उसके जो अंश हैं वो अपने घरों में सजा करके रखे हुए। नाउ मीनवाइल द यूएसए हैड रजिस्टर्ड द इन्वॉल्वमेंट इन वॉर, इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फॉल ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड कॉस्ट, ठीक है। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग, जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन ईस्ट, इट हैड ऑक्यूपाइड द फ्रेंच इंडो चाइना एंड वॉज प्लानिंग अटैक्स ऑन यूएस नेवल बेसिस इन द पैसिफिक, वेन द जापान एक्सटेंडेड सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब्ड द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर द यूएस एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो दिस इज द पॉइंट हाउ यूएसए एंटर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सो हुआ क्या था, जापान उस टाइम पे एक बहुत ही एडवांस कंट्री और मिलिट्रीली कैपेबल कंट्री था, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने अपने ईस्ट के साइड में एक्सपेंशन शुरू किया, और ये काफी वॉर जीतता भी है, लेकिन इसका मन नहीं भरता है। इसको क्या करना था, अपना नाम करना था, ठीक है। नाम करने के चक्कर में ये क्या करते हैं, जो अमेरिका अभी तक बचा हुआ था कि मैं वॉर में नहीं आऊंगा, क्यों, क्योंकि उनको पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, उसके वजह से बहुत इकोनॉमिक लॉस हुआ था, और अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, पैसा ज्यादा वो नहीं खो सकता, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया था कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन जापान की ये जो गलती होती है क्या, कि पर्ल हार्बर पर अटैक करना, इसकी वजह से यूएसए को क्या आना पड़ता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आना पड़ता है, और यहीं से इनके उल्टे बुरे दिन लगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बुरे दिन इन द सेंस की द वॉर एंडेड इन मे 1945, ये एक एमसीक्यू में आ सकता है कि लड़ाई कब खत्म हुई, ठीक है, विद हिटलर्स डिफीट एंड द यूएसए ड्रॉपिंग द बॉम्ब ऑन ऑफ द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान। सो हिरोशिमा पे गिरा था 6 अगस्त को, और जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। माफ कीजिए, शायद मैं नहीं, लिटिल बॉय, ओके। और दूसरा जो बॉम्ब गिराया था 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर, ठीक है, इसका नाम था फैट मैन। अभी एक मूवी भी आ रही है ओपनहाइमर, ठीक है। सो ओपनहाइमर जे आर ओपनहाइमर वो इंसान है जिसने ये एटम बॉम्ब बनाया था, लिटिल बॉय वाला, ठीक है, जो कि हिरोशिमा पर गिराया गया था। ओके, फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वी नाउ रिटर्न टू द हेलमेट एंड हिज फादर स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनैलिटी ड्यूरिंग द वॉर।
ओके नाउ नाजी वर्ल्ड व्यू, वर्ल्ड व्यू. सो नाजी क्या देख क्या चाहता था, ठीक है ना, वो दुनिया को कैसे देखता था, वो दुनिया कैसे चाहता था. सो नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिमस ऑफ हिटलर्स वर्ल्ड व्यू. सो नाजी की आइडियोलॉजी क्या थी, जो हिटलर की आइडियोलॉजी होगी, ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली ए रेशियल हायरार्की. सी हिटलर जो होता है वो एक बहुत ही ज्यादा भयंकर फॉलोवर होता है किसका, चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का, इसका बहुत भयंकर फॉलोवर होता है, ठीक है. दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा फूड साइकिल के बारे में, फूड साइकिल में क्या होता है, एक सबसे ऊपर एपेक्स मान लो ये घास है, इस घास को एक क्या खा रहा है, चूहा खा रहा है, ठीक है, और ये चूहा इस चूहे को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है, ठीक है, उस सांप को कौन खा रहा है, एक ईगल खा रहा है, ठीक है. सो अब इस ईगल को खाने वाला शायद ही कोई ऐसे दुनिया में जानवर जो ईगल को खाए, तो यानी कि टॉप पे आ गए. सो हिटलर इस पे विश्वास करता था कि जो नीचे के लोग हैं उनको आप खत्म कर दो, मार दो, खा जाओ, टॉप पर हमेशा किसके बेसिस पे होगा, रेस रेस के आधार पर, यानी कि आप जिस एथनिसिटी से आप बिलोंग करते हो टॉप पर हमेशा वो रहेगा, ठीक है. इसीलिए हिटलर क्या चाहता था, इन दिस व्यू ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यर्स वर एट द टॉप व्हाइल ज्यूज वर लोकेटेड द लोवेस्ट रंग. अब यहां से आपको पता चलेगा कि हिटलर ने ज्यूज के खिलाफ इतनी भयंकर ज्यादती क्यों की, क्योंकि हिटलर जो था वो आर्यंस को टॉप पे मानता था और ज्यूज को सबसे नीचे मानता था, और इसी चीज में उसको हक मिला हुआ था, उसने अपने आप को ये हक दिया हुआ था कि मैं इनको क्या कर दूं, खत्म कर दूं, ठीक है. और इसी के चलते उसने क्या बनाने शुरू किए, कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए, और सबसे भयंकर जो कंसंट्रेशन कैंप होता है वो होता है पोलैंड के अंदर ऑट्सविट्स. ऑस्विट्स आज भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि किस क्रूरता से उसने लोगों को गैस चैम्बर में ठूस ठूस करके मारा, और जो भट्टियां होती है उसमें ठूस ठूस करके उनको जला दिया जाता है. ओके नाउ दे केम टू बी रिगार्डेड एज एंटी रेस द आर्क एनिमीज ऑफ आर्यन. यहाँ पे उसने ज्यूस को क्या बता दिया था, आर्क एनिमी, सबसे कट्टर दुश्मन बता दिया था, किनका, आर्यंस का. नाउ All other colored people were placed between depending upon their external feature. And बाकी के जो लोग थे वो किस में आएंगे, वो बीच के लोगों में आएंगे, उनके फीचर्स के ऊपर. फीचर्स यानी कि हिटलर को, हिटलर ने आइडेंटिफाई कर रखा था, स्टीरियोटाइप कर रखा था ज्यूज को, कि उनकी नाक कैसी होगी, पहनावा कैसा होगा, और उसी से वो उनको आइडेंटिफाई करता है. ओके नाउ हिटलर्स रेसिज्म बोरोड या मेन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है. डार्विन वॉज ए नेचुरल scientist who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection. Herbert Spencer later added the idea of survival of the fittest. Isko double underline kar lena. According to this idea, only those species survived on earth that could adapt themselves to the changing climatic condition. यानी कि ये दो लोग, हर्बर्ट स्पेंसर जो कि एक फिलोसोफर था, ठीक है ना, हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग सिर्फ वो ही लोग टिक सकते हैं जो कि क्या है, अपने आप को हालात के अकॉर्डिंग ढाल लें, ठीक है, वो ही लोग दुनिया में क्या कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, टिक सकते हैं. और चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, जिसमें वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे दुनिया में एनिमल्स से प्लांट्स आए, इन दोनों के आइडियोलॉजी को लेकर के वो अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी बनाता है. नेक्स्ट We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought was a purely natural process of selection. However, his ideas were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered people. The Nazi argument was simple. ठीक है ना? Nazi argument क्या था? Simple था. The strongest would survive and the weak ones would perish. The Aryan race was the finest, it had to retain its purity, become stronger and dominate the world. So, इसकी वजह से ही वर्ल्ड वॉर टू होता है, और इसी की वजह से हिटलर जो होता है वो अपने आसपास के देशों पर कब्जा करता है, क्योंकि वो आर्यन रेस को सुपीरियर मानता था और उसी की ही डोमिनेंस दुनिया पर चाहता था. ठीक है, नाउ द अदर एस्पेक्ट, इसको
डबल अंडरलाइन कर लेना. द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियो पोलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसरम और लिविंग स्पेस. ही बिलीव दैट द न्यू टेरिटरीज हैड टू बी अक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट. जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो आर्यन देश के लोगों को चाहता था, तो दुनिया में जहां पर जहां जहां जर्मन स्पीकिंग लोग थे या जर्मन ओरिजिन लोग थे वहां वहां वो कब्जा करता है. ओके, हम अभी एक स्पंटल लैंड के बारे में पढ़ेंगे जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी में था. पहले उसको वो एरिया मिल जाता लेकिन उसको अब पूरा ऑस्ट्रिया हंगरी चाहिए था. ठीक है, सो इस लेबेंसराम मतलब क्या होता है, लिविंग स्पेस, यानी कि जो लोग वो लेके आएगा, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वो लेके आएगा, उनके लिए रहने के लिए जगह बनानी है. और इसके लिए वो क्या करेगा, अपने एरिया को एक्सपेंड करेगा. और एरिया को एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, आसपास के देशों को हराएगा. ओके, दिस वुड एनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री वाइल एनेबलिंग द सेटलर्स ऑन न्यू लैंड टू रिटेन एन इंटीमेट लिंक विद द पीपल ऑफ देयर ओरिजिन. इट वुड ऑल्सो एनहेंस द मेटेरियल रिसोर्स एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन. अब लेबेंसराम से दो काम हो रहे थे उसके. पहला कि वो अपने लोग जो कि जर्मन स्पीकिंग लोग जो वो अपने लेके आ रहा था उनको रहने के लिए जगह मिल गई. दूसरा, उन देशों में जो खनिज पदार्थ मिलते थे, उन देशों के जो रिसोर्सेज थे वो भी उसके अंडर में आ जाएंगे. और उन रिसोर्सेज का यूज वो किस में करेगा, अपनी पावर बढ़ाने में. ठीक है, नाउ हिटलर intended to extend the German boundaries by moving eastward to concentrate all German geographically in one place. Poland became the laboratory for this experiment. जैसे मैंने आपको बताया ना कि हिटलर के वेस्ट साइड में समुंदर था, तो वहां तो वो रख नहीं सकता था उन लोगों को, तो किस तरफ मूव करेगा, ईस्ट तरफ मूव करेगा. इसीलिए वो ईस्टवर्ड मूवमेंट शुरू कर देता है. नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट. रेशियल स्टेट, सी इसमें ना एक ये न्यू वर्ड है, नॉर्डिक जर्मन आर्यन. One branch of those classified Aryan, they lived in the northern Europe countries, had German or related origin. इसको mark कर लेना, ठीक है? Now, what do you think Mahatma Gandhi would have said to Hitler about his ideas? See, भारत के इतिहास में दो लोग ऐसे होते हैं जो कि हिटलर से या तो मिलते हैं या बात करते हैं. एक तो सुभाष चंद्र बोस जो कि बर्लिन में जाते हैं, वहीं से उन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन भी बोला था और जय हिंद का नारा भी दिया था. ठीक है, और वो हिटलर से अपील करते हैं कि हमें आप मदद कीजिए ब्रिटेन से लड़ने में. ठीक है, तो हिटलर मदद तो नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको रिहा कर देता है. ठीक है, और एक सबमरीन प्रोवाइड करवाता है जिससे वो जापान सिंगापुर गए, जहां पे वो मोहन बोस से मिलते हैं. ठीक है ना, राजबिहारी बोस से और मोहन सिंह से मिलते हैं, और ये मिलकर के INA जो पहले से बनी हुई थी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और इंडिया को फ्री करवाने की कोशिश करते हैं INA के थ्रू. ठीक है, महात्मा गांधी ने हिटलर से बात की थी एंड उन्होंने एक चीज बोली थी, दैट इज इंटरनेशनल पीस. महात्मा गांधी ने हिटलर से इंटरनेशनल पीस की गुजारिश की थी. ठीक है, नाउ वंस इन पावर द नाजीज क्विकली बिगन टू इंप्लीमेंट द ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव. उनका ड्रीम क्या था, एक्सक्लूसिव कम्युनिटी फॉर प्योर जर्मन्स बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोस हु वर सीन एज अनडिजायरेबल. अनडिजायरेबल जो टर्म है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनके लिए यूज किया गया था जो कि जिनको वो इनफीरियर समझता था, अपने से छोटा समझता था. ठीक है, नाउ Nazis wanted only society of pure and healthy Nordic Aryans. They alone were considered desirable. So desirable कौन थे, जो pure और healthy क्या होंगे, Nordic Aryans थे. वो क्या थे, desirable थे. Okay, only they were seen as worthy of prospering, multiplying against all those who were classed undesirable. This meant that even those German, और in undesirable वो Germans भी आते थे जो कि impure या abnormal थे, यानी कि जो अपंग थे बेचारे, कुछ problems थे, उनको भी वो क्या मानता था, अब नॉर्मल मानता था. यहां तक कि 72,000 खुद के लोगों को वो क्या कर देता है, कंसंट्रेशन कैंप्स में मार देता है, क्योंकि वो लोग क्या थे, इंप्योर थे या फिर अब नॉर्मल थे. ठीक है, नाउ ज्यूज वर नॉट ओनली द कम्युनिटी. कौन कौन सी कम्युनिटी थी जिनको हिटलर मारना शुरू करता है या अनडिसाइडेबल कैटेगराइज करता है, तो इसमें आएंगे आपके सिप्सीज, ब्लैक्स लिविंग इन नाजी जर्मनी, वो कंसिडर रेशियल इंफीरियर, वो थ्रेटन द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यन रेस. ठीक ना, they were widely persecuted. Now, Jews remained the worst sufferers of the Nazi Germany. Nazi hated for the Jew. अब Nazi Jews से इतनी नफरत क्यों करते थे? See, एक जगह है जेरूसलम,
यरूशलेम जो कि आज के टाइम पे इसराइल की कैपिटल है, उसके दो हिस्से वैसे ही हो रखे हैं, एक जो है पैलेस्तीन के पास में है और एक इसराइल के पास में है। ठीक है, यरूशलेम पर तीन धर्मों का जन्म हुआ था, अब्राहमिज्म, जुडाइज्म और एक और था क्रिश्चियनिटी। ओके, सो इन सब का क्या है, वहीं से एक बर्थ प्लेस मानी जाती है, लेकिन किसी कारणवश, ठीक है, जो क्रिश्चियन थे ये ज्यूस को अपने इंफीरियर मानते थे। ठीक है, नाजी हेट्रेड फॉर ज्यूस वॉल हैड ए प्रीकर्सर ऑफ द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टैलिटी टूवर्ड्स द ज्यूस। ठीक है ना, दे हैड बीन स्टीरियोटाइप एज किलर ऑफ क्राइस्ट एंड यूश्योरर्स अंटिल मिडिवल टाइम। ज्यूस वर बार्ड फ्रॉम ऑनिंग लैंड, दे सर्वाइव मेनली ऑन ट्रेडिंग एंड मनी लैंडिंग, दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गेटोज। यानी ज्यूस कहाँ, ज्यूस को आप जमीन, पहले क्या उनको जमीन रखने का कोई हक नहीं था, वो सिर्फ जीते किस पे थे, मनी लैंडिंग यानी ब्याज देकर के जीते थे। ठीक है, और ये लोग जहां रहा करते थे उन एरियाज को क्या कहते थे, गेटोस। देवर ऑफन प्रोसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज वायलेंस एंड एक्सपल्सन फ्रॉम द लैंड। हाउ एवर हिटलर्स हेटन फॉर ज्यूस वर बेस्ड ऑन हिटलर की जो हेटन ज्यूस के खिलाफ वो स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस विच हेल्प द कन्वर्जन held that the conversion has no solution to the Jewish problem, it could be only solved through their total elimination। ये लाइन समझ रहे हैं आप, टोटल एलिमिनेशन, बिल्कुल उनको खत्म कर दो, यानी कि उनको धर्म भी मत बदलो कि भाई आप लोग जर्मन अपना लोगे तो आप प्योर हो जाओगे, नहीं, आप ज्यूज हैं, आप हमसे इंफीरियर हैं, तो आपको खत्म ही होना होगा। और इसी की वजह से वो एक भयंकर नरसंहार करना शुरू कर देता है। ओके, From 1933 to 1938, the Nazi terrorized, paparized, and segregated their Jews, compelling them to leave the country. The next phase from 1939 to 1945 aimed at concentrating them in certain areas and eventually killing them in gas chambers in Poland. Or Poland mein bhi kaun si jagah hai? Auschwitz. Okay. Usurers kaun hote the? Money lenders charging excessive interest, often used the term to of abuse. Okay. Now, the racial utopia. Under the shadow of war, the Nazis proceeded to realize their murderous racial ideal. Genocide and war became two sides of the same coin. यानी कि एक तरफ वो क्या कर रहा था, अपनी एरिया को एक्सपेंड कर रहा था और दूसरी जगहों पर, और दूसरी साइड वो पोलैंड में ऑस्विट जैसे कंसंट्रेशन कैंप्स में क्या कर रहा था, ज्यूज को खत्म कर रहा था। यानी वो एक बार में ही सारा का सारा मसला सॉर्ट आउट करना चाहता था। ओके, नाउ ये वो सी आज के टाइम पे भले ही ये म्यूजियम में रखी गई हो, लेकिन इसका यहां पे दिखाने का मतलब यही है कि इन जो ये ना, ये बेसिकली है कैटल वैगन्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, कैटल वैगन्स। कैटल वैगन्स का मतलब, कैटल मतलब क्या होता है, जो आपके दुधारू पशु होते हैं उनको इन्हीं ऐसे मतलब कंपार्टमेंट्स होते थे ट्रेन के, उनमें ले जाया जाता था, इन कंपार्टमेंट्स में लोगों को ठूसा जाता था, और इतने ज्यादा ठूसे जाते थे कि जब तक ये कंपार्टमेंट, जब तक ये रेलवे पोलैंड में ऑस्विट्स में पहुंचते, आधे ज्यादा लोग मर चुके होते थे। किस वजह से, सफोकेशन की वजह से, यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होती लोगों को। ठीक है, नाउ स्टेप्स टू डेथ, तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जहां पे बताया गया है कि कैसे क्या हुआ। ये जो होता था कि कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर जो लोग अनफिट होते थे, जो मतलब कि इन वैगन से निकालने के बाद में मान लो कोई बीमार पड़ गया है, या किसी को बीमारी है, या किसी का कोई अदर प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को बिना कुछ बताए, सी जो हमने डेथ देखी थी ना कि इतने लोगों को मार दिया, वो तो सिर्फ वो है जो रिकॉर्डेड है, जिनका नंबर मिला है। ये कुछ लोग थे जिनके नंबर भी नहीं मिले, यानी ये मिलियन से भी ज्यादा में मारे थे उसने, बिलियन तक मार दिए होंगे उसने। ठीक है, नाउ होता क्या था, ये गैस चैम्बर में ले जाने से पहले उन लोगों को चेकअप के बहाने, भाई आपकी बॉडी चेकअप होगी इसलिए आप अपने कपड़े निकाल दो, उनके बहाने ये कपड़े रहे, ये जूते, सब कुछ उतरवा करके उनको गैस चैम्बर में, जहां पे उनको जहरीली गैस से तड़प तड़प के मरना पड़ता था, ये होता था गैस चैम्बर्स में। ठीक है, यूथ इन नाजी जर्मनी, ठीक है, जैसे बोला जाता है किसी देश को अगर हमें बर्बाद करना तो वहां के आप यूथ को बर्बाद करना शुरू कर दो,
अभी तक हम पंजाब का एग्जाम्पल दिया करते कि पंजाब में जो यूथ है वो नशे की लत में जा चुका है और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी बन चुका था, ठीक है। तो हिटलर ने भी सेम काम किया। हिटलर ने क्या किया कि हिटलर वॉज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। ही फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी वुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। यानी कि बच्चा छोटे से ही उसको क्या करना शुरू कर दो, आप नाजी की आइडियोलॉजी को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए सबसे पहले वो स्कूलों को साफ करता है। स्कूल्स वर क्लींस्ड एंड प्योरिफाइड। इसका मतलब क्या था कि टीचर जो कि ज्यूस थे उनको स्कूल से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, और जो बच्चे ज्यूस थे उनको औरों से जर्मन बच्चों से क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, और विद टाइम उन बच्चों को और उन टीचर्स को गैस चैम्बर में जाकर के मार दिया गया। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं, हु वर ज्यूस और सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल वर डिसमिस्ड। चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड। German and Jews could not sit together or play together. Subsequently, undesirable children, Jews, the physically handicapped, gypsies were thrown out of school, and finally, in the 1940s, they were taken to the gas chambers. Okay, so अब इसके पास कौन बचेगा? इन सबको इसने मार दिया, अब कौन बचा इसके पास में? वो बच्चे बचे जो प्योर आर्यन रेस के, उनके साथ में क्या करता था? Now, good German children बच गए अब किसके पास में? तो स्कूल टेक्स्ट बुक में ये किसको जस्टिफाई करता था? नाजी आइडिया ऑफ रेस को जस्टिफाई करता था, ठीक है। और बच्चों को पहले से ही बता दिया जाता था, बच्चों को ना, हिटलर बच्चों को बचपन से ही स्टील हार्टेड, एग्रेसिव और मैस्कुलिन बनाना चाहता था, ठीक है ना, एकदम कठोर निर्दयी बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने बच्चों को बॉक्सिंग भी सिखाई, ठीक है ना, ताकि बच्चे क्या बने, आयरन हार्टेड, स्ट्रांग एंड मैस्कुलिन। नाउ यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। 10-year-old had to enter जंग वॉक। यानी कि उसने जंग वॉक क्या होता है, जो 10-14 साल से कम उम्र का बच्चा होगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल 10 साल का, उसको जिस यूथ विंग में भेजा जाता था उसको बोलते थे जंग वॉक। ओके, नाउ एट 14 ऑल बॉय हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन हिटलर यूथ। हिटलर यूथ की स्थापना कब होती है? 1922, या फिर यूथ लीग की स्थापना कब होती है? 1922, ठीक ना। हिटलर यूथ में ये लोग क्या करते थे, ये लोग वॉर, लड़ाई लड़ना सीखते थे। क्या सीखते थे? वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वॉयलेंस, कंडम डेमोक्रेसी एंड हेट ज्यूज, ठीक है, यहाँ पे ये सब चीजें सीखी जाती थी। और जब इनकी ट्रेनिंग यहाँ पे पूरी हो जाती थी तब ये क्या करते थे, दे ज्वाइंड द लेबर सर्विस यूजुअली एट द एज ऑफ 18 एंड दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस, एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन। के साथ ट्रेनिंग लेने के बाद में वो लोग, ये लोग क्या करते थे, आर्मी के अंदर चले जाते थे। द यूथ लीग ऑफ नाजीज वाज फाउंडेड इन 1922 और चार साल बाद हिटलर इसको क्या नाम दे देता है, इट वाज नेम्ड एज हिटलर्स यूथ। ओके, नाउ वो जंग वॉक वाला याद रखिएगा। ओके, सो सभी बच्चे, ऑल बॉयज बिटवीन एज 6 and 10 वेंट थ्रू द preliminary training of Nazi ideology, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिटलर को बच्चों के साथ में। ओके, Jewish children arriving at the death of factory to be gassed। आप इस बच्चे की शक्ल भी देख सकते हो कि इसको पता है इस साथ में क्या होने वाला है, ठीक है ना। ये वो Jewish बच्चे थे जिनको पता था कि अब इनकी मौत होने वाली है, ठीक है। Now अभी आता है कल्ट ऑफ मदरहुड के बारे में। नाउ जो हिटलर होता है, जो हमें नेक्स्ट इसी पेज में रह गया, नीचे साइड में, सी जो नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड है, इस पूरे के पूरे सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि हिटलर जो है, इन 1933 हिटलर सेड इन माय कंट्री द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, ठीक है ना। बट उसने बोला था कि मदर सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिटलर ने माओं को या फिर लड़कियों को या फिर औरतों को सिर्फ इस वजह से रखा था ताकि वो हिटलर के लिए क्या कर सके, प्योर आर्यन रेस के बच्चों को जन्म दे सके, और इसी के लिए वो उनको पनिश भी करता था और अवार्ड भी देता था। अगर किसी हिटलर, किसी जर्मन महिला ने जो कि आर्यन रेस से है, उसने अगर संबंध बनाए किसी गैर जर्मन इंसान से, बीट ज्यूज, बीट पोलिश, बीट रशियन, सो उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। और अगर वो
चार बच्चे जो कि प्योर आर्यन रेस के होंगे उनको जन्म देती है तो उसको क्या मिलता था? ब्रॉन्ज मेडल, ऑनर मेडल्स मिलते थे, ऑनर क्रॉसेस फॉर अवार्डेड. अ ब्रॉन्ज क्रॉस फॉर एट्स फॉर चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर सिक्स एंड गोल्ड फॉर एट. ठीक है. और उनका मेनली काम क्या होता था? बच्चे पैदा करना और उनकी देखभाल करना, ताकि उनको एक अच्छे, उनको नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाना. सो वीमेन के काम क्या थे? बच्चों की देखभाल करना, केयर, बेयर यानी कि उनको जन्म देना. ठीक है. एंड उनको क्या करना? टीच. टीच क्या? नाजी आइडियोलॉजी, नाजी आइडियोलॉजी को पढ़ाना. ओके. ऑल आर्यन वीमेन्स डेविएटेड फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड कोड. अब ये क्या था? कोड था कि आपको इतने बच्चे करने हैं और प्योर आर्यन रेस के बच्चे चाहिए. और जो महिला इनसे दूर चली जाती थी, ठीक ना, दोज हू मेंटेन कॉन्टेक्ट विद ज्यूज, पोल्स और रशियन वर परेडेड थ्रू द टाउन विद शेव्ड हेड, ब्लैकेंड फेस एंड प्ले कार्ड्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक अनाउंसिंग आई हैव सलीड द ऑनर ऑफ द नेशन, कि मैंने देश के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, अगर वो किसी और से संबंध बनाते थे तो. ठीक है. नाउ आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, ये वो तरीका है जिसके थ्रू क्या किया गया था, हिटलर ने लोगों के मन में, एक तो पहली काम क्या किया उसने, अपनी जगह बनाई. दूसरा काम क्या किया? ज्यूज और बाकिंग प्रति नफरत घोली. आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा मतलब होता क्या है, देखिए, ना प्रोपेगेंडा जो वर्ड है, प्रोपेगेंडा मतलब होता है जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो अफवाहें, बेसिकली अफवाहें मान लीजिए उन्हें, ठीक है, आप अपने उन लोगों को अफवाहें फैलाते हैं कि भाई यही अच्छा होगा, अगर ये नहीं खरीदा तो आप बर्बाद हो, जैसे कि टीवी एड्स होती हैं. सो हिटलर ने यूज किया था आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, और हिटलर इसमें बहुत माहिर था और ये बहुत सक्सेसफुल भी हुआ. उसने क्या किया, हिटलर ने ऐसे ज्यूज के ऐसे ऐसे पिक्चर्स बनवाए जिसमें उनको किलर्स बताया गया. किसका? जर्मन्स का. ठीक है. जर्मन्स का क्या बताया गया? किलर बताया गया. ऐसी ऐसी पिक्चर्स बनवाई, उसमें उनको इसको शैतान बता दिया गया कि ज्यूस क्या है? शैतान है. ठीक है. और इन सब से इनको उद्धार कौन दिलवा सकता है? इन सब से इनको उद्धार दिलवा सकता था सिर्फ हिटलर. ओके. उद्धार कौन दिलवा सकता है? सिर्फ हिटलर इनको क्या कर सकता था? फ्री कर सकता था. ऐसे ऐसे उसने प्रोपेगेंडा चलाए, ऐसे ऐसे उसने बातें चलाई. नाउ इसमें जो अब ये सब प्रोपेगेंडा, ये सब बातें फैलाने में जो मेन हाथ था, दैट वाज द मीडिया. मीडिया यानी कि टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, सब कुछ उसमें आ चुका है. इस सब की मदद से वो क्या करता है? ये प्रोपेगेंडा अपना फैलाता है. ठीक है ना. नाउ द टर्म दे कॉइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव, दे आर चिलिंग. नाजीस नेवर यूज्ड द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन. मास किलिंग्स वर termed special treatment, final solution for the Jews. Euthanasia for disabled, selection and disinfection, evacuation and men deporting people to the gas chambers. Yani ki special treat, wo kabhi bhi nahi bolta ki main tujhe maar dunga, I will murder you, I will kill you. Nahi, main tujhe special treatment dunga. Aur special treatment matlab Jews ke liye kya tha? Khatma. So in sab words ka wo use karte the. Iske alawa, theek hai, वो मीडिया का यूज किया करते थे. मीडिया वॉज केयरफुली यूज इन सपोर्ट ऑफ द रेजिम एंड पॉपुलराइज द इट्स वर्ल्ड व्यू. ठीक है ना. तो पोस्टर्स, मूवीज, कैची स्लोगन्स, लीफलेट, पोस्टर्स ऑफ ग्रोइंग ग्रुप्स आइडेंटिफाइड एनिमी ऑफ जर्मन, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे पोस्टर लगाते जिसमें ज्यूज को जर्मनी का क्या बताते थे? दुश्मन बताते थे. उनको रेस्पॉन्सिबल बताते थे किसके लिए? वर्ल्ड वॉर वन के लिए. ओके. और प्रोपेगेंडा मूवीज, प्रोपेगेंडा मूवीज यानी कि जो मूवी बनी बनाई इसलिए गई है ताकि क्या उसके हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हेट कर सकें, जिनमें से एक मूवी थी द इटर्नल ज्यू. ठीक ना. ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्ड. ऑर्थोडॉक्स यानी कट्टर जो ज्यूज होते थे, जो कि एक ब्लैक कलर का गाउन सा पहनते हैं और उनके बाल ऐसे कर्ली होते हैं, सर पे स्कल कैप सा होता है, स्कल कैप नहीं, कैप होता है. ठीक है ना. उनको मार्क, स्टीरियोटाइप और मार्क कर दिया गया था. नाउ
सो ये सब चीजें की गई ताकि लोगों का क्या हो, लोगों का माइंड वॉश हो, और लोगों का माइंड वॉश करने के बाद प्रोपेगेंडा के थ्रू लोगों का माइंड वॉश किया जाता था, और उसके थ्रू लोगों के अंदर एक नफरत घोल दी जाती थी कि लोग विश्वास करने लगे थे कि ये सब प्रॉब्लम्स किसकी वजह से हैं, ज्यूस की वजह से हैं, और हिटलर ही वो इंसान है जो हमें क्या कर सकता है, मुक्त कर सकता है। तो आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में हमें क्या लिखना है कि पहले तो बताना होगा कैसे होता था, मूवीज के थ्रू हो गया, इटर्नल जीव का हमने एग्जाम्पल दे दिया, और उससे क्या होता था, लोगों का माइंड वॉश हो जाता था, लोग इस बात पर विश्वास करने लग जाते थे कि हिटलर इज द ओनली सेवियर। ओके, ये कुछ फोटोज हैं जो कि हिटलर के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करती थी, ठीक है, और हिटलर को मतलब महान बताती थी, ठीक है। यहाँ पे जो डेट्स हैं इनको याद कर लेना इंपॉर्टेंट मार्क करके। ओके, नेक्स्ट, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। नाउ ये जो ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, इसमें एज सच इतना ज्यादा कुछ वो नहीं, बस ये था कि आम जनता जो थी ना उसमें कुछ ऐसे जो मान लेते थे, लेकिन जो कुछ नहीं मानना चाहते थे वो बेचारे जबरदस्ती चुप रहते थे। रीजन बीइंग वो चुप थे क्योंकि उनको डर था कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो उनको हिटलर क्या करेगा, मार देगा, इसलिए वो बेचारे चुप रहा करते थे। ओके, लेकिन एक इंसान थे पैस्टन यामलर, अरेस्टेड फाइटर, ऑब्जर्व एन एबसेंस ऑफ प्रोटेस्ट एंड अनकैनी साइलेंस अमंगस्ट ऑर्डिनरी जर्मन्स इन द फेस ऑफ ब्रूटल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट द पीपल इन द नाजी एम्पायर। ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस। जो पैस्टर न्यामलर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पोएम लिखी थी जिसमें इन्होंने बताया कि लोगों की चुप्पी कितनी खतरनाक है, ठीक है, और लोगों की चुप्पी की वजह से क्या हो रहा है, जर्मनी के अंदर लोगों को मारा जा रहा है, लोग मर रहे हैं क्योंकि सिर्फ लोग चुप हैं, वो विद्रोह नहीं कर रहे और हिटलर अपनी मनमानी कर रहा है। ओके, व्हाट ज्यूज फेल्ट इन द नाजी जर्मनी। ओके, शार्लेट ब्रांडेट सीक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम इन हर डायरी एंड लेटर पब्लिश देम इन हाईली डिसकंसंट्रेटिंग बुक कॉल्ड द थर्ड राइच ऑफ ड्रीम्स। शी डिस्क्राइब्स हाउ ज्यूज देमसेल्फ बिगन बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम। सपोज कीजिए मैं सांवला हूँ, ठीक है, अभी मुझे बार बार लोग ये बोलते जाएं यार तो काला है, काला है, काला है, काला। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि मुझे खुद में क्या आने लग जाएगी, किसी से बात करने में शर्म आने लग जाएगी कि यार मेरे कलर को देखकर मुझसे कोई क्यों बात करेगा, यानी क्यों कोई मुझसे मतलब मेरे पास आना चाहेगा, या फिर मुझसे कोई क्यों कोई हेल्प मांगेगा, कोई मेरा दोस्त क्यों बनेगा। एक टाइम मेरे को ऐसा खुद फील होने लग जाएगा ना, यही फीलिंग किसके अंदर आने लग गई थी, ज्यूस के अंदर आने लग गई थी, और इसी फीलिंग की वजह से क्या हुआ था, वो जीते जी मर गए थे। वो तो उनकी लाश थी जो कि कहां जा रही, जिंदा लाश थी जिसको गैस चैम्बर्स में भेजा जा रहा था। सो यही इसमें लिखा हुआ है, इस बुक को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, आपसे एमसीक्यू में या वन वर्ड में पूछा जा सकता है। नॉलेज अबाउट होलोकोस्ट। अभी होलोकोस्ट जो टर्म है, होलोकोस्ट टर्म मतलब क्या होता है, जो नाजी किलिंग ऑपरेशन थे, ठीक है, जो नाजीज के क्या थे, द नाजी किलिंग ऑपरेशन को होलोकोस्ट बोला जाता था, ठीक है ना। सो होता क्या है, जब तक जो 1944-1945 में जर्मनी के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है और जर्मनी हारना शुरू हो जाता है और सोवियत आर्मीज क्या करती है, उसको कवर सराउंड करना शुरू करती हैं, तब जाकर के उस आर्मी को पता चलता है कि हिटलर ने, जब सोवियत आर्मी पोलैंड पहुंचती है और वो ऑटस्विट पहुंचती है, तब वो देखती है कि हिटलर ने इतना क्रूर काम किया है, और ये काम वो कब से करता आ रहा था, 1939 से करता हुआ आ रहा था। उनको लोगों के सिर्फ कंकाल मिलते हैं, किसके अंदर, भट्टियों के अंदर, उनको जूते और कपड़ों के हीप्स मिलते हैं, हीप्स नहीं, बड़े बड़े वो क्या बोलेंगे उसको, इकट्ठा हुए कपड़े मिलते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े एरियाज में। ओके, नाउ एट द हाइट अ गेटो इनहैबिटेंट सेड टू अनदर दैट ही वांटेड टू आउटलिव द वॉर जस्ट हाफ एन आवर, प्रिज्यूमेबली मेंट दैट ही वांटेड टू बी एबल टू Tell the world about what happened in Nazi Germany. ठीक, कि वो एक आदमी था जो चाहता था, बताना चाहता था कि नाजी जर्मनी ने साथ में क्या क्या किया है, तो इसको हमें रिपीट करने की जरूरत है नहीं। Yet the history and the memory of the Holocaust lives in the memoirs, fiction, documentaries, poetry, memorials and museum in many parts of the world today. ठीक है ना, as a tribute to those who resisted, an embarrassing reminder to those who collaborated, a warning to those who watched in silence. So, ये था हमारा हिस्ट्री चैप्टर 3, नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर में जो मेन चीजें हैं, ठीक है,
महात्मा गांधी का लेटर, ठीक है, महात्मा गांधी लेटर लिखा था किसको? अडोल्फ हिटलर को, ओके, जिसमें वो इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हैं, डिस्क्राइब प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वाइमर रिपब्लिक, ये हमने कर लिया है। डिस्कस व्हाई नाज़िम बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930, क्योंकि जर्मनी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगाई, इकोनॉमी बहुत डाउन जा चुकी थी, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस वाले पॉइंट है वो लिखने होंगे, उन्हें उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। और हिटलर ने फिर क्या किया, हिटलर ने राइज ऑफ हिटलर में ना सेकेंड पैराग्राफ में फोटो के नीचे क्या लिखा हुआ है, उसमें वो लिखा हुआ है कि उसने स्पीकर बहुत अच्छा था और उसने लोगों को बोला कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में हमारे साथ बुरा हुआ है उसको मैं अनडू कर दूंगा, इसमें भी वो लिखना होगा। व्हाट आर पेक्यूलर फीचर्स नाजी थिंकिंग, पेक्यूलर फीचर नाजी थिंकिंग कि वो हमसे क्या है, नीचे हैं, हम ऊपर हैं, ये सब, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ नाजी प्रोपेगेंडा वॉज इफेक्टिव क्रिएटिंग हेटफुल व्यूज। सो आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा मैंने आपको बताया, मीडिया, मूवीज, लीफलेट्स, पोस्टर्स, इन सब में ज्यूस को एज अ डेविल प्रेजेंट किया गया था, ज्यूस को एज अ प्रमोटर ऑफ सोरोस प्रमोट किया गया था और ज्यूस को रिस्पॉन्सिबल बताया गया था कि ज्यूस ऐसा कर रहे हैं, और इन सब से आपको सिर्फ कौन बचा सकता है, हिटलर बचा सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट द रोल वीमेन प्लेड इन द नाजी सोसाइटी, नाजी सोसाइटी में वीमेन का काम क्या होता था, बच्चे पैदा करो, कैसी रेस के, प्योर आर्यन रेस के, उनकी देखभाल करो, उनको नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाओ ताकि कल को जाकर भी अच्छे जर्मन सिपाही बन सके, ये होता था माओ का काम। इसको हमें कंपेयर करना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जो हमने फ्रेंच वीमेन के बारे में पढ़ा था, जहां पर वो भी रिवॉल्यूशन रिवोल्ट करते, लेकिन वहां पे क्या होता है, राइट मांगती हैं, वहां की वीमेन राइट्स मांगती हैं, लेकिन यहां की वीमेन कुछ नहीं मांगती हैं, इवन इनको ट्रीट भी इक्वल नहीं किया जाता था, ठीक है ना। इन व्हाट वेज डिड नाजी स्टेट सीक टू एस्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर इट्स पीपल, अपने लोगों पर कंट्रोल कैसे करता था, तो अपने लोगों को डराता था, ठीक है, क्योंकि अपने लोगों को उसने डरा करके रखा हुआ था और उसके अपने लोग उससे डरा भी करते थे, अपने लोगों को उसने बताया हुआ था कि कैसे मैं उनका मसीहा हूं, ठीक है। सो इन सब चीजों से अपने देश को कंट्रोल में किया हुआ था। विद दिस वे एंड दिस चैप्टर, और हम इसके जल्द ही इसके क्वेश्चन आंसर्स एक मतलब पूरे ब्रीफ में और एमसीक्यूज की कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, सॉल्यूशन हम इसके जल्दी लेके आएंगे, और कल हम क्लास टेंथ का एनसीईआरटी चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना, हम हिस्ट्री के साथ ही शुरुआत करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।